एनर्जी हमने सुना है, सिनर्जी एस आगे लिख दिया है। लोग बोलते हैं स्टीफन को अभी अपने आप को अमर कर दिया, एनर्जी के आगे एस लगा के स्टीफन का सिनर्जी बना दिया। लेकिन वो सिनर्जी क्या है बहुत ठीक तरह से सुनना। व्हेन टू और मोर देन टू पीपल व्हेन दे कम टुगेदर डिसाइड टू वर्क टुगेदर एंड कम ऑन अ सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कम ऑन द डायस टू वर्क टुगेदर दे वर्क टुगेदर प्रोड्यूस अ रिजल्ट द जॉय दैट दे गेट फ्रॉम वर्किंग टुगेदर एंड बाय द फाइनल आउटकम That joy creates an energy to work again. That is called synergy. I'll just take 2 minutes more. That is called synergy. तो ये synergy है, संप की भावना है, एकता की भावना है, सुरत भाव की भावना है। आज कमी सबसे बड़ी synergy की है, understanding नहीं है। इसलिए देश में, समाज में, विश्व स्तर पे इतनी बहस हो रही है सभी बातों पे। Less on understanding. Less on acceptance, less on adjustments. यही problem है. Less on understanding and less on synergy. भाई साहब आप भारत के citizen हो, आपको कुछ नहीं होने वाला है. क्यों आप बहस करते हो? You are a citizen of India. Nothing is going to happen to whichever caste, religion, whatever. Only the illegals have the problems. लेकिन वो समझदारी कम, लेकिन वो synergy कम, इसलिए सब बहस हो रही है। तो कहने की बात यह है कि सिनर्जी में मतलब ये सुरत भाव है। कैलिफोर्निया में, अमेरिका में रेडवुड ट्रीज हैं, 150-200 फीट तक ऊपर जाते हैं। तो साइंटिस्ट दे थॉट द बायोलॉजिस्ट दैट देयर रूट्स मस्ट बी मच डीप, क्योंकि इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ 20 स्टोरी बिल्डिंग यू हैव टू मेक अ डीपर फाउंडेशन अ स्ट्रॉन्गर वन। देखा तो कुछ चंद फीट ही ग्राउंड में थे ये रूट्स, आश्चर्य लगा कि इतने बड़े टावरिंग रेडवुड ट्रीज और उनके रूट्स चंद फीट ही डीप है। फिर बहुत संशोधन के बाद पता चला आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट द रूट्स अंडरनीथ द ग्राउंड दे वर सो मच एंटेंगल्ड विद ईच अदर दैट दे क्रिएटेड सपोर्ट फॉर ईच अदर। नॉर्मली देयर इज अ स्पेस प्रॉब्लम एवरीवेयर अपॉन द अर्थ एंड अंडर द अर्थ बोथ। अंडर द अर्थ ऑल्सो द रूट्स दे फाइट विद ईच अदर ऑफ द ट्रीज adjoining trees for water for mineral. Redwood trees ke jo roots hai they become best of friends and relatives entangle with each other and supply and share minerals and water. So even going to 150 or 200 feet plus with very shallow foundation they still survive earthquakes and storms. To ye workplace pe aur family mein thodi sochne jaisi cheez hai.